झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र में 13 बूथ ईवीएम चेकिंग तथा भेरिफिकेशन एने गुरुवार भारतीय निर्वाचन कमिशन ईसीआई पक्ष प्रेस विज्ञप्ति जरिया सूचना दी जा साधारण निर्वाचन 2024 फलाफल जून 4 में प्रकाशित होता विभिन्न कारण फलाफल को नहीं संतुष्ट नतेज प्रार्थी ईवीएम जांच आवेदन करते ग्रहण कर तबे ओडिशा समेत आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा महाराष्ट्र तमिलनाडु एवं तेलंगाना राज्यर समुदाय 8 लोकसभा क्षेत्र में 92 बूथ एवं 3 विधानसभा क्षेत्र अधीन 26 बूथर ईवीएम भीपीपैट जांच ओडिशार एकमात्र विधानसभा क्षेत्र झारसुगुड़ा रही झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र बीजेडी प्रार्थी दीपाली दास ईवीएम जांच लागि आवेदन करते गत जून 1 में ईसीआई आवेदन प्रणाली जांच प्रक्रिया प्रोटोकल आदि को नहीं एसओपी जारी करते निर्वाचन फलाफल प्रकाश 30 दिन मध्य राज्य निर्वाचन कमिशन संपुक्त मैन्युफैक्चरर को आवेदनकारी तालिका प्रदान व्यवस्था रही है राज्य निर्वाचन कमिशन यार जथेष पूर्व मैन्युफैक्चरर को अवगत कराई निर्वाचन फलाफल घोषणार 45 दिन मध्य अर्थात 19 जुलाई सुधा निर्वाचन पिटिशन दायर करावधान रही सीओ निर्वाचन पिटिशन स्टाटस संपर्क में जाना पर 2 सप्ताह मध्य मैन्युफैक्चर ईवीएम चेकिंग एवं भेरिफिकेशन लगी समय निर्धारण करेंगे ईपी स्टाटस संपर्क में निश्चित होगा पर 4 सप्ताह मध्य ईवीएम चेकिंग एवं भेरिफिकेशन करेंगे दर्शाई रिपोर्ट दिनलिपि लाइव दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ।